नमस्कार सभी भाइयों का, आप सभी का स्वागत है एलएसए रिंकू पर। तो दोस्तों, मैं एलएसए राजस्थान के लिए स्टडी वीडियोस बनाता रहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एलएसए रिंकू पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एनिमल न्यूट्रिशन का वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में कमेंट्स आए कि सर ब्लू प्रिंट के आधार पर आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम ब्लू प्रिंट पर आधारित बनाएंगे, जो एलएसए में एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसी के आधार पर, उसी के हिसाब से सेट करके मैंने पीडीएफ बना रखा है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 10 मॉडल पेपर का लिंक मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलएसए रिंकू पर। चलिएगा, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा दोस्तों आंसर। टाइम स्टार्ट है आपका। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 10.41%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव कहलाता है, तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला होता है वो नवंबर माह में लगता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है, तो राजस्थान शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी गोविंद राज, कौन था, गोविंद राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख खनिज है, राजस्थान का प्रमुख खनिज सीसा व जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे अधिक किस जिले में उत्पादित होती है, यानी ज्वार की पैदावार किस जिले में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, तो उदयपुर जिले में। कौन से जिले में ज्वार सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, उदयपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, राजस्थान की साक्षरता दर ऑप्शन नंबर बी 60.4% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजवंश कौन सा था, कछुआ राजवंश, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, तो राजस्थान में जो ताम्रपाषाण संस्कृति होती है वो कालीबंगा संस्कृति और आर संस्कृति, दोनों ही संस्कृति पाई जाती है, आंसर होगा ए और बी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है, या कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं राजस्थान इतिहास के प्रणेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है, तो राजस्थान के 9.55% इससे पर वन क्षेत्र है, यानी राजस्थान का जो कुल भूभाग है उस पर 9.55% वन क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर पावर परियोजना है, धौलपुर पावर परियोजना है, तो दोस्तों जो धौलपुर पावर परियोजना है वो लिग्नाइट पर आधारित है, किस पर आधारित है, लिग्नाइट पर। आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछ ले कि धौलपुर परियोजना
पावर परियोजना किस पर आधारित है? तो आंसर होगा लिग्नाइट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान में दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1973 में की गई। कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कच्चे लोहे के मुख्य भंडार कहां पर पाए जाते हैं? जयपुर और उदयपुर में। कहां पर? जयपुर और उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सुमन शर्मा। ये एक बार वापस से कंफर्म भी कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुरू हुई ई नाम परियोजना का सर्वाधिक फायदा किस वर्ग के लोगों को हुआ? तो दोस्तों इस परियोजना का लाभ सर्वाधिक काश्तकार वर्ग को हुआ। किसको? काश्तकार वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन 26 अप्रैल 1951 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 10 जिलों में गोपाल योजना को लागू किया गया? यानी राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किन 10 जिलों में गोपाल योजना को लागू किया गया? तो वो 10 जिले कहां पर स्थित है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा इसका। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में गोपाल परियोजना को लागू किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो उनका धार्मिक स्थल नाथ द्वारा होता है या नाथ द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सन 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस जिले में लागू हुई? तो राजस्थान के नागौर जिलों में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी? मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं आपको यहां पर बतानी है। तो इस मेवाड़ चित्रकला शैली की जो प्रमुख विशेषता थी, चटकदार रंगों के प्रयोग के कारण ये जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोटा राज्य में कोटा कंटिंजेंट ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों ये विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को किया गया था। कब किया गया? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य राजमार्गों पर सड़क संपर्क परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक ने भारत के साथ $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन को वापस से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्य राजमार्गों पर सड़क संपर्क परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने। कौन से बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है? हेरिटेज होटल बताना है। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। कहां पर? अजीत भवन जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर, ये चारों के चारों जिले स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, राजस्थान की एक सिंचाई योजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी योजना है? राजस्थान की एक सिंचाई योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर स्थित है?
राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये केंद्र जयपुर, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत थी? इन चारों में से आपको वह रियासत चुननी है जिसका विलय 25 मार्च 1948 को किया गया था, तो वो रियासत थी प्रतापगढ़ रियासत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाला निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम राज्य था? राजस्थान का वो राज्य बताना है जो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि किया था, कौन सा राज्य है? जयपुर, हमारे राज्य की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी के मुंह पे रटा हुआ होगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बीकानेर स्थान पर स्थित है, कहां पर? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल बताइएगा दोस्तों, तो राजस्थान का राज्य के खेल बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय कौन है? देश का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय कौन है? आंसर आपका होगा जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ दुर्ग के निर्माता हैं, आपको बताना है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभार ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में लगते हैं? कौन से जिले में लगते हैं? नागौर जिले में। और याद रखना, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था भी नागौर जिले में स्टार्ट की गई थी, वापस से रिपीट कर रहा हूं। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, एलएसए मॉडल पेपर के हिसाब से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। अब आगे के बचे हुए 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? तो दाने में चोकर की जो उचित मात्रा होती है वह 20% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की कमी का विशिष्ट लक्षण क्या है? फास्फोरस की कमी का विशिष्ट लक्षण पीका नामक रोग है, ठीक है। सांड सूचकांक से क्या अभिप्राय है? सांड सूचकांक से अभिप्राय होता है कि सांड का संतति परिरक्षण या परीक्षण अंकों में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू भैंस को कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो दुधारू पशु को शरीर भार का 3% शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी उसका वेट के 3% उसे शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? बहुतंत्रिका शोध किस तत्व की कमी का लक्षण होता है? तो यह है थायमिन तत्व की कमी का लक्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी कार्य करने वाले एक बैल का कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? यानी जो कार्य भारी कार्य करता है उस बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी? तो उसको 3.5 केजी किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी पशुधन सहायकों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, अच्छे से हम बहुत सारे मॉडल पेपर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, अनिवार्य वसा अम्लों में कौन सा अम्ल शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों ग्लूमेटिक अम्ल अनिवार्य वसा अम्लों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रजनन का उदाहरण नहीं है? क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग दोनों ही अंतः प्रजनन के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे चारों में टीडीएनए की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा बताइएगा दोस्तों। तो आंसर होगा अधिकतम 60% एवं न्यूनतम 18%। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के खालिस्तान की परीक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसमें वीर्य की स्वच्छता एवं शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुअर के किनारे वाले दांतों को अस्थायी जोड़ा गिर गया है और स्थायी दांत निकल आए हैं, तो पशु की उम्र का अनुमान लगाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी अवस्था आपको दिखे तो वह पशु यानी 6 माह अपने कंप्लीट कर चुका है, जिसके स्थायी दांत निकलने स्टार्ट हो जाएं और अस्थायी दांतों का एक जोड़ा गिर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय एवं भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय होता है, यह मध्यकाल के अंतिम 8 घंटों में प्रजनन करवाया जाए तो यह सर्वोत्तम सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सांड के अच्छे वीर्य का रंग खालिस्तान होना चाहिए, क्रीमी जैसा, क्रीम के जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वीर्य तनुकरण की संतृप्त दर कितनी है? भारत में वीर्य तनुकरण की संतृप्त दर 1:400 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र लिखिए। डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र 0030/4030=20 होगा। ऑप्शन नंबर सी, 0030/4030=20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गो पशु में अस्थायी कृंतक दांतों का केंद्रीय जोड़ा स्थायी हो गया है, पशु की उम्र का अनुमान आपको लगाना है। ऐसी अवस्था आपको दिखे तो वह पशु 2 वर्ष कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय या भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? गाय या भैंस में मध्य चक्र की अवधि 16 दिनों की होती है। कितने दिनों की? 16 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में यौन आरंभ की आयु कब होती है, यानी वो यौन करने के लिए, सेक्स करने के लिए कब रेडी हो जाती है, कितने माह की आयु में रेडी हो जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 24 से 30 माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में मध्यकाल की अवधि होती है। बकरी में मध्यकाल की अवधि दोस्तों 24 से 48 घंटों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूअरी का प्रसव काल कितने दिनों का होता है? सूअर का प्रसव काल 114 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है? आइसक्रीम कसावत और हिमीकृत दोनों ही प्रकार का होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीके संघनित दूध को क्या कहते हैं? फीके संघनित दूध को इवापोरेटेड मिल्क बोला जाता है, इवापोरेटेड मिल्क। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड माइसल मान 0.1 N क्षार की मिलीमीटर में वह मात्रा जो निम्नलिखित प्रकार के वसा अम्लों की 5 ग्राम मात्रा को उदासीन करने में खर्च होगी। रिचर्ड माइसल का मान मान के चलिएगा 0.1 N है, मिलीमीटर में वह मात्रा जो निम्नलिखित प्रकार के वसा अम्लों की 5 ग्राम मात्रा को उदासीन करने में कितनी उदासीन करने में खर्च होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भाप वाष्पित जल में विलय, ठीक है, भाप वाष्पित जल में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतृप्त है? पाश्चुरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतृप्त होती है? तो आंसर देना है आपको 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारी क्रीम में वसा प्रतिशत बताइए। भारी क्रीम में वसा का प्रतिशत 60 से 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन संघ की मान 0.1 N क्षार की मिलीमीटर में वह मात्रा है जो निम्नलिखित प्रकार के वसा अम्लों की 5 ग्राम मात्रा को उदासीन करने में खर्च होती है। तो इसका आंसर होगा आपको भाप वाष्पित जल में अविलय, वो विलय था, इसमें अविलय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनांक निकालने का सूत्र बताइए। वर्तनांक निकालने का सूत्र है साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का गाढ़ापन कहते हैं, इसकी इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई दोस्तों पाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो दूध के एक इकाई क्षेत्रफल को तोड़ने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध का हिमांक कितना होता है? दूध का हिमांक दोस्तों -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीस में अम्ल दूध की तुलना में अधिक होता है, यानी खीस में अम्ल होता है जो दूध की तुलना में अधिक होगा, यानी दूध में कम होगा अम्ल और खीस में अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने मिलान करने वाला है, ठीक है? आपको जीवाणुओं का नाम दिया गया है, तो दोस्तों मैं सीधा आपको इसमें मिला करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस होता है वो तो मिलेगा लैक्टिक अम्ल से, किससे? लैक्टिक अम्ल से, ठीक है? उसके बाद में जो बेसिलस स्टेलिस है वो प्रोटीन किण्वन से मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में आता है बेसिलस सीरियस, ये मिलेगा मधुरित जमाव से, और लास्ट में बच गया एक्रो में बैक्टर, तो ये मिल जाएगा वसा किण्वन से, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का वर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों दूध का जो वर्तनांक होता है वो 1.3440 से लेकर के 1.3480 तक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? ताजे दूध में अम्लता होती है 0.11 से लेकर के 0.16 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्नोनाइटिस एक खालिस्तान रोग है। टिप्नोनाइटिस खालिस्तान एक रोग है, तो यह आहार जनित रोग होता है। कैसा रोग? आहार जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग संबंधित खालिस्तान से है। रानीखेत रोग कुक्कुट पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम होता है? मिल्क फीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलघोटू रोग फैलाने वाले कारक का नाम है? पास्चुरेला मल्टीसोडा जीवाणु गलघोटू रोग को फैलाने वाला कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइएगा। आंसर होगा 15 से 20 प्रति मिनट। विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीडोट बोला जाएगा। विषैले प्रभावों को दूर करने के लिए जो औषधियां होती हैं उन्हें एंटीडोट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो नील जिह्वा रोग गाय भैंस भेड़ व बकरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खुर पक्का व मुंह पक्का रोग जिसे हम FMD बोला करते हैं। खुर पक्का व मुंह पक्का रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम खालिस्तान है। आपको टीका बताना है। तो दोस्तों पॉलीवेलेंट अक्रिय सेल कल्चर टीके का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। चार रोग दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। तो दोस्तों FMD होता है, खुर पक्का मुंह पक्का जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों जो निमोनिया होता है यह विषाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहारिक रोग नहीं है। तो दोस्तों ट्राइकोमोनियसिस होता है जो एक प्रकार का आहारिक रोग नहीं होता है, बाकी ट्रिप्नोनाइटिस, कीटोसिस, मिल्क फियर ये आहार्य रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें गर्भवती मादा को खिलाने पर उनमें जीन की सामान्य क्रिया बाधित हो जाती है जिससे भ्रूण पर बुरा असर पड़ता है को क्या कहते हैं। ठीक है, उसे बोला जाता है टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जनित रोग नहीं है। पढ़िएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जनित रोग नहीं है। आंसर होगा नील जिह्वा रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। राइनो स्पायरोडियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल बताइएगा। घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल कौन सा होता है। सब मैंडिबुलर धमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकरी की हृदय गति कितनी होती है। बकरी की हृदय गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है। तो संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का होता है। ऑप्शन नंबर बी, भैंसों का। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की आवश्यकता होती है। 226 ग्राम दूध की। अगला क्वेश्चन, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है। बकरी की ऊन के लिए जो सुप्रसिद्ध नस्ल होती है वो होती है पश्मीना। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस से प्राप्त किया जाता है। सुप्रसिद्ध अंगोरा जो ऊन होता है वो किस से प्राप्त किया जाता है। आंसर होगा खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गो पशुओं का विकास हुआ। निकृष्ट पशुओं का। मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है, यह प्रजाति किस वर्ग के पशु की है। तो यह भेड़ वर्ग के यानी भेड़ प्रजाति का पशु होता है जिसे मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। किस प्रजाति की वर्ग की है, भेड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्दी क्या है, क्वेश्चन क्या है, गद्दी क्या है। गद्दी
बकरी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? होलिस्टियन, फ्रीजियन, जिसे आप HF बोला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होती है? भदावरी नस्ल की भैंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डागर बैंक कहाँ स्थित है? डागर बैंक उत्तरी सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुल मछली उत्पादन में क्रम से चार शीर्ष राज्य हैं। सबसे पहला पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। ये चार शीर्ष राज्य हैं जो मछली पालन में शीर्ष राज्य होते हैं, शीर्ष पर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बकरी की गर्भावधि कितने दिन तक होती है? तो बकरी की जो गर्भावधि होती है वह 160 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न। अगला क्वेश्चन, विश्व में दूध की रानी की उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई? दूध की रानी की उपमा किस बकरी की नस्ल को प्राप्त की गई? सानेन को। ठीक है, आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, औसतन एक सूरी कितने बच्चों को जन्म देती है? औसतन एक सूरी 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है। अधोलिखित में किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? अंडे का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रथ किसकी नस्ल है? रथ होती है जो भैंस की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन, संसार में सूअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? संसार में सूअरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है, यानी दूध जो सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं उन देशों का आपको अवरोही क्रम बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहला भारत, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। ये होगा अवरोही क्रम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? दूध देती है साहीवाल। अगला क्वेश्चन है, मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो मधु में ग्लूकोज व फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसे फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भेड़ की किस्म कौन सी नहीं है? इनमें से आपको 4 नस्लें दी गई हैं, जिनमें से एक नस्ल ऐसी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है। तो आंसर होगा टोडा, टोडा भेड़ की नस्ल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ब्लूप्रिंट का, ये मॉडल पेपर का, निम्नलिखित में से ऊंट की किस्म है? सिंधी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने देख लिया पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी चाहिए ब्लूप्रिंट, 10 ब्लूप्रिंट का या मॉडल पेपर चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका कुछ ब्लूप्रिंट दिखेगा। ठीक है, उसमें आपको साथ में एंड में आपको उसकी आंसर की भी मिलेगी।